पार्क है, चलते हैं आप इसके अंदर। ये होंडा का शोरूम आ गया जहाँ पर मोटरसाइकिलें आम आवाम की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। आपको टोबा टेक सिंह की स्टेशन की सैर करवाता हूँ अभी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको टोबा टेक सिंह की सैर करवाऊंगा, जिसमें हम गपशप लगाएंगे और देखेंगे कि टोबा कैसा है। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैं पापा जॉन्स के बाद यहाँ पर पापा जॉन्स भी आ गया है। पापा जॉन्स ओरिजिनल ब्रांड है जो कि अब फैसलाबाद में भी आया है, तो यहाँ पर पापा जॉन्स आ गया है, पता नहीं पहले से ही होगा। ये मेरे ख्याल सारा मेडिकल एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारे मुझे डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं और मेडिकल स्टोर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी फार्मेसीज हैं। देखिए यूटिलिटी स्टोर पर कितना रश लगा हुआ, मैं समझा था सिर्फ फैसलाबाद में इस तरह का रश होता है, ये देखिए टोबा में भी यही आ रहा है। टोबे की खूबसूरती, टोबे की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। टोबा का मतलब है जी पानी का कुआं। अच्छा जी, और टोबा टेक सिंह, आप सोचते होंगे कि टोबा टेक सिंह इसका नाम क्यों पड़ा। असल में बहुत अरसा पहले एक सिख था जो कि सिख बरादरी का बंदा था, जो कि यहाँ पर राहगीरों को पानी पिलाया करता था, तो उसी के नाम के साथ मुंसलिक करके इस शहर का नाम रखा गया। ये देखें जी, ये पंजाब पुलिस जिला टोबा टेक सिंह। ये देखें जी, मार्की बनी हुई है यहाँ पर, वेलकम टू दावत अजीम मार्की। अच्छी लग रही है बाहर से, अंदर से भी उम्मीद है अच्छी होगी। ये किप्स कॉलेज आ गया टोबा का। काफी अच्छे बने हुए हैं घर भी इस एरिया में। ये देखिए पिज्जे की दुकान आ गई, ये बंद है अभी। ये होंडा का शोरूम आ गया जहाँ पर मोटरसाइकिलें आम आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आपके साथ गपशप करते हुए हम देख रहे हैं टोबा टेक सिंह। टी हाउसिंग, ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ फ्रंट दरबार है जी यहाँ पर, झंडे झंडे लगे हुए हैं।
एक ग्रेस होटल है मेरी लेफ्ट साइड पर। अब हम ढूंढते हैं पीको पार्क, मैंने उसकी बड़ी तारीफ सुनी है, वो सर्च करते हैं वो किस साइड पर है। दोबारा मेन रोड पर आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ गई है, जिला काउंसिल, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, रश देखें रश। दोस्तों आपको टोबा की थोड़ी सी तफसील बताता चलूं, 1982 में ज़िला फैसलाबाद से टोबा को अलग करके इसे अलग से ज़िला बना दिया गया था। टोबा की चार तहसीलें हैं जिसमें गोजरा, कमालिया, टोबा और पी महल शामिल है। इसमें टोबा का कुल रकबा 3252 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। चलते हैं टोबा के पार्क में, जो कि यहाँ का काफ़ी मशहूर पार्क है, टीको पार्क के नाम से यहाँ पर मशहूर है और ये टेक सिंह के नाम से बनाया गया था। चलते चलते कुछ आप भी बाजार देखते चलें मेरे साथ। साथ ही टीको पार्क के रेलवे स्टेशन है इधर का। आपको टोबा टेक सिंह के स्टेशन की सैर करवाता हूँ अभी। ये देखिए जी, ये वेटिंग एरिया है। ये मुस्तफर खाना, ये देखिए जी, ये मुस्तफर खाना है इसका। और वो टिकट कर यहाँ से टिकटें मिलती हैं। कंटीन भी बनी हुई है तो ये यहाँ पर ट्रेन आती है और यहाँ पर रुकती है। पकौड़े ताज़े ताज़े सारे मुसाफिर यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है, लगता है ट्रेन आने वाली है। ये ऑफिस बने हुए हैं सारे। पंखे लगे हुए हैं इंतजारगाह में। पीने का साफ पानी भी अवेलेबल है, ठंडा भी है। ठंडा तो है, पता नहीं ठंडा है कि नहीं। ये क्रॉसिंग बनाई हुई है ऊपर से जाने के लिए। अच्छा, स्टेशन के बिल्कुल साथ ही टीको पार्क है। ये जी शोरकोट टोबे के साथ वाला ही शहर है, तो वहाँ तक, वहाँ से निकल पड़ी है ट्रेन, थोड़ी देर तक यहाँ पर भी पहुँच जाएगी। ये बाहर वाली साइड है, वेटिंग एरिया और पार्किंग एरिया स्टेशन का। बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं पुराने पुराने यहाँ पर। ये देखें, और ये पार्क की साइड है आई थिंक। चलें चलते हैं यहाँ पर भी, आपको दिखाते हैं पार्क भी। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं इसे ढूंढते हुए। पार्क है, चलते हैं आप इसके अंदर। ये यहाँ पर कुछ यादगार बनाई गई थी लेकिन अब हंसी ख़त्म कर दी गई है, कोई तस्वीर वगैरह नहीं लगी हुई। ये कुछ दो घड़े से बनाए हुए हैं।
देखें जी, लोग गर्मी में दरख्त की छाँव में आराम कर रहे हैं, सुहार में कुछ पारक हैं बैठे हुए हैं। एरिया बनाया गया है, डेक्स लगाए हुए हैं जगह जगह पर। पार्क काफी खस्ता हो रहा है, गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए इस पार्क के ऊपर। झूले भी लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगह पर, घास भी खत्म हो चुका है। मेरा ख्याल है कि ये अदम गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये हाल हो रहा है इसका। अच्छा, टोबा में गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है, मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर है ना फैसलाबाद की नस्बत टोबा में गर्मी ज़्यादा है। ये देखिए जी गुलिस्तान रेस्टोरेंट, यहाँ पर चलते हैं देखिए क्या 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 चीज़ें मिलती हैं। सरकारी रेट पर यहाँ पर रोटी दस्तियाब है, 100 ग्राम रोटी 8 रुपये की, सादा नान 120 ग्राम का सिर्फ 10 रुपये में, जबकि फैसलाबाद में 20 रुपये का नान मिल रहा है आजकल। बहुत मजेदार है, पाए का प्याला तैयार हुआ है।